प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को गुजरात के द्वारका में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। ये केबल ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बेयत द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। ये लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है। सुदर्शन सेतु को बनाने में लागत 980 करोड़ रुपए आई है। सुदर्शन सेतु को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाएगा। ये पुल द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले निवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए बहुत खास महत्व रखेगा। 2.32 किलोमीटर तक फैला ये पुल प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले निवासियों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। केंद्र द्वारा 2017 में एक भूमि पूजन समारोह के साथ शुरू किए गए इस पुल का उद्देश्य ओखा और बेट द्वारका के बीच आने जाने वाले भक्तों के लिए पहुंच को आसान बनाना है। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो सुदर्शन सेतु का डिजाइन बहुत ही खास और अद्वितीय है। इस पुल के दोनों तरफ श्रीमद् भगवद् गीता के श्लोकों और भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ बनाया गया है। इसमें पैदल पथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सुदर्शन सेतु द्वारका बेयत द्वारका मार्ग के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के समय को काफी बचाएगा। सेतु के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेयत द्वारका तक पहुंचने के लिए नौका परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था। सुदर्शन सेतु में इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ने की भी उम्मीद है। ये पुल देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी होगा। सुदर्शन सेतु से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। 4 लेन वाले इस पुल में दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में पुल की नींव रखी थी। ये मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। पीएम मोदी ने शनिवार को जामनगर में जोरदार रोड शो के साथ अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच जैसे ही पीएम मोदी का काफिला सर्किट हाउस की ओर बढ़ा, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। सुदर्शन सेतु के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में गुजरात के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भी उद्घाटन किया। राजकोट एम्स के अलावा प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी 4 अन्य एम्स का उद्घाटन करेंगे। राजकोट सहित 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा 6300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।